नाहमिया छठा बाब। जब संबलत और तौबिया और जश्म अरबी और हमारे बाकी दुश्मनों ने सुना कि मैं शहर पनाह को बना चुका और उसमें कोई रखना बाकी नहीं रहा, अगरचे उस वक्त तक मैंने फाटकों में कवाड़े नहीं लगाए थे, तो संबलत और जशम ने मुझे ये कहला भेजा कि आ हम अफू के मैदान के किसी गांव में या बाहम मुलाकात करें, पर वो मुझसे बदी करने की फिक्र में थे। सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। उन्होंने चार बार मेरे पास ऐसा ही पैगाम भेजा और मैंने उनको इसी तरह का जवाब दिया। फिर संभलत ने पांचवीं बार उसी तरह से अपने नौकर को मेरे पास हाथ में खुली चिट्ठी लिए हुए भेजा, जिसमें लिखा था कि और कौमों में ये अफवाह है और जश्मु यही कहता है कि तेरा और यहूदियों का इरादा बगावत करने का है, इसी सबब से तू शहर पना बनाता है और तू इन बातों के मुताबिक उनका बादशाह बनना चाहता है, और तूने नबियों को भी मुकरर किया कि यरूशलेम में तेरे हक में मुनादी करें और कहें कि यहूदा में एक बादशाह है। पस इन बातों के मुताबिक बादशाह को इत्तला की जाएगी। सो अब आ हम बाहम मशवरा करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जो तू कहता है इस तरह की कोई बात नहीं हुई, बल्कि तू ये बातें अपने ही दिल से बनाता है। वो हम सबको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं, पर अब ऐ खुदा तू मेरे हाथों को जोर बख्श। फिर मैं समिया बिन दिलाया बिन मुहातिबेल के घर गया, वो घर में बंद था। उसने कहा हम खुदा के घर में हैकल के अंदर मिलें और हैकल के दरवाजों को बंद कर लें, क्योंकि वो तुझे कत्ल करने को आएंगे, वो जरूर रात को तुझे कत्ल करने को आएंगे। मैंने कहा क्या मुझसा आदमी भागे, और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने को हैकल में घुसे। मैं अंदर नहीं जाने का, और मैंने मालूम कर लिया कि खुदा ने उसे नहीं भेजा था, लेकिन उसने मेरे खिलाफ पेशनगोई की, बल्कि संबलत और तौबिया ने उसे उजरत पर रखा था, और उसको इसलिए उजरत दी गई ताकि मैं डर जाऊं और ऐसा काम करके खताकार ठहरूं और उनको बुरी खबर फैलाने का मजमून मिल जाए ताकि मुझे मलामत करें। ऐ मेरे खुदा, तौबिया और संबलत को उनके इन कामों के लिहाज से और नुआइदा नबिया को भी और बाकी नबियों को जो मुझे डराना चाहते थे याद रख। गर्ज 52 दिन में ओवल के महीने की 50वीं तारीख को शहर पना बन चुकी। जब हमारे सब दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास की सब कौमें डरने लगीं और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गईं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। इसके सिवा उन दिनों में यहूदा के अमीर बहुत से खत तौबिया को भेजते थे और तौबिया के खत उनके पास आते थे, क्योंकि यहूदा में बहुत लोगों ने उससे कौलो करार किया था, इसलिए कि वो सिकनिया बिन एराह का दामाद था
और उसके बेटे यहुआ नान ने मुसालिम बिन बरखिया की बेटी को ब्याह लिया था, और वो मेरे आगे उसकी नेकियों का बयान भी करते थे और मेरी बातें उसे सुनाते थे, और तौबिया मुझे डराने को चिट्ठियां भेजा करता था।